हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों के सुस्वास्थ्य की कामना करती हूँ। आप लोग वीडियोस देख रहे हैं सारे टीचर्स का, सारे सिलेबस का, और उसको समझ रहे हैं, उसका बोध हो रहा है, हृदयंगम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अति की हद तक पॉजिटिव लगती हैं, लेकिन क्या करें, अभी और कोई रास्ता भी तो नहीं है। आप देखते ही नहीं होंगे, हम कुएं में डाल रहे हैं, हम बिना वजह मेहनत कर रही है तो नहीं सोच सकते ना। तुम लोगों का रिस्पॉन्स मुझे तो कम से कम मिलता भी रहता है, फ़ोन आते हैं। आप किसी दिन वीडियो डालने में देर हो जाए तो आप सवाल करते हो, मैडम अभी तक वीडियो नहीं आया। ये चीज़ें मुझे उत्साहित करती हैं, ये मुझे फील कराती हैं कि हाँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और इसीलिए मैं ये हिमाकत कर जाती हूँ, हिम्मत कर जाती हूँ कि चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ हो, नेटवर्क जितना भी स्लो हो, मैं आप तक सिलेबस के किसी एक पॉइंट से रिलेटेड वीडियो ज़रूर पहुँचाऊँगी। तो फिलहाल पिछले 3-4 दिनों से हम लगे हुए हैं नंद किशोर आचार्य की कविताओं को समझने में। 1945 ईस्वी में बीकानेर में नंद किशोर आचार्य का जन्म हुआ था, ये आपको मैंने बताया था। नंद किशोर आचार्य की कविताओं में राजस्थान की प्रकृति का हृदय ग्राही नहीं, बल्कि कहूँगी कि ईमानदार और वास्तविक चित्रण हुआ है। राजस्थान की रेत और राजस्थान में पानी की प्यास, ये दो चीज़ें शिद्दत से महसूस की जा सकती है, और इन दोनों चीज़ों का चित्रण नंद किशोर आचार्य ने अपनी कविताओं में बहुत खूबसूरती से किया है। रेत टीले, जिसको आप बोल सकते हो, अलग अलग नामों से पुकारते हैं राजस्थान में, टिब्बा, मैं ये माइंड स्लिप हो गया था, टिब्बा जिसको आप कहते हो, उन टीबों की कविताएं भी इनमें इन्होंने खूब लिखी है। पानी के अलग अलग चित्र इनकी कविताओं में, जल है जहाँ इनका काव्य संग्रह ही है। चौथे सप्तक के ये महत्वपूर्ण कवि थे। छोटी छोटी कविताएं भी इन्होंने जो लिखी हैं, वो एक बहुत गंभीर असर हमारे दिल और दिमाग पर छोड़ती हैं। घरौंदा इनकी ऐसी ही एक चुनिंदा कविता है जो मेरी सबसे पसंदीदा कविताओं में से है, और इसी तरीके की इनकी कविता कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं ठीक से हुआ, ये मैंने पढ़ाया भी था आपको, लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने उसी पे चर्चा की थी। तो नंद किशोर आचार्य की संगत में हम अधिक संवेदनशील होते हैं। नंद किशोर आचार्य की कविताएं हमें थोड़ा और मानव बनाती है, थोड़ा और प्रेमिल बनाती है, थोड़ा और गंभीर पाठक दृष्टा चेष्टा करने वाला सर्जक बनाती है। नंद किशोर आचार्य की कविताओं का प्रेमी आकुल हृदय तो है ही, सचेत भी है, समझदार भी है। जैसे आवाज की ही बात की जाए तो पहला शब्द हो जैसे कि कविता का प्रेमी, कितनी भावना में बहकर, कितनी तन्मयता से अपनी प्रेयसी की आवाज की कशिश को महसूस करता है। हमने छोटी सी कविता के जरा से तरीके से, जरा से माध्यम से कितना अच्छी तरह महसूस किया। 5 कविताएं हैं, कहीं भी समतल नहीं है शहर हमने कर लिया, कुछ भी तो नहीं, पहला शब्द हो जैसे, ये 3 जो है कविताएं हम इनकी कर चुके हैं। 4थी कविता है किसे निवेदित, निवेदित करना, अर्पित करना, ईश्वर के ऊपर जब हम जलाभिषेक करते हैं, पुष्पाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं, नैवेद्य समर्पित करते हैं उनके समक्ष, उसको निवेदन करना, निवेदित करना कहते हैं। आगे की एक कविता है सामग्री का नैवेद्य दान, मेरे कहने से उसको पढ़िएगा। निवेदित करना, निवेदन करना क्या है, अज्ञेय ने उस कविता के माध्यम से बखूबी व्यक्त किया है। सृष्टि के तमाम वृक्षों के फूल, तमाम पेड़ों के फल, तमाम मिष्ठान्न सामराज्ञी अपने देवता के चरणों में मानसिक रूप से समर्पित करती है।
बिना आघात के ये अभ्यर्थना, सृष्टि के कण मात्र को चोट पहुंचाए बिना ये अर्चना, एक अनूठा प्रयोग, एक अनूठा एहसास है उस कविता में। ठीक उसी तरह से, चूंकि नई कविता के कवि हैं, तो बात और आगे के कदम पे आ गई है। इन्होंने भी बताया है ऐसा ही, किसे निवेदित, किसे समर्पित किया जाए, किसके सामने अभ्यर्थना की जाए, प्रार्थना की जाए। छोटी सी कविता है, दो बार तीन बार पढ़ना होगा ताकि आप तक कविता पहुंचे, और फिर उसकी व्याख्या करूं तो कविता आपके ध्यान में हो। नहीं मालूम हो या नहीं, रच देती है तुम्हें लेकिन प्रार्थना मेरी, सृष्टा करती हुई मुझे, मैं भी प्रार्थना हूं क्या तुम्हारी, ओ मेरे सृष्टा, किसे निवेदित पर। एक छोटा सा चुटकुला है, एक बच्चा स्कूल में गया 4-5 साल का, उससे उसकी मैम ने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है, बच्चे ने बताया 4 साल या 5 साल जो भी। फिर मैम पूछती है तुम्हारे पापा की उम्र कितनी है, बच्चा बोलता है 4 साल। मैम कहती है 4 साल ऐसा कैसे हो सकता है, पापा है ना तुम्हारे। तो बच्चा जवाब देता है, मेरे पापा होने के पहले तो वो किसी के बेटे थे, पापा तो वो मेरे होने के बाद बने ना, तो एज ए फादर उनकी उम्र सिर्फ 4 साल है। चुटकुले दरअसल चुटकुले नहीं होते, कहीं पर वो विभत्स रस का कुत्सित प्रचार करते हैं, जहाँ पर गाली गलौज अश्लील चुटकुले हो, कहीं पर वो अध्यात्म की बात करते हैं, कहीं दर्शन की बात करते हैं, फिलोसफी की, कहीं पर वो सामान्य दिनचर्या की। तो इसी तरह से लिखने के पहले कोई कविता कवि की धरोहर हो सकती है, कल्पना हो सकती है, जब लिख दी जाती है और खासकर छप जाती है, प्रकाशित हो जाती है, फिर वो सामाजिक हो जाती है। अकेले कवि की संपत्ति वो नहीं रह जाती, निजी संपत्ति वो नहीं रह जाती। इसी बात को आप एक स्टेप आगे बढ़ के समझिए कि कवि ईश्वर से बात कर रहे हैं। ईश्वर कौन है, कहाँ रहता है, किसने देखा, इस पे बहुत विवाद है। राहुल शंकराचार्य ने किससे, किसी ने पूछा था ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या है, तो उन्होंने बड़ा एक मौलिक, बड़ा शानदार जवाब दिया था, ईश्वर मनुष्य का मानस पुत्र है, यानी मनुष्य ने अपने मस्तिष्क से उसको पैदा किया है। कुछ ऐसा सा ही भाव इस कविता में है, नहीं मालूम हो या नहीं, रच देती है तुम्हें लेकिन प्रार्थना मेरी, सृष्टा करती हुई तुम्हें, कि मुझे नहीं मालूम कि तुम हो या नहीं, लेकिन जब मैं किसी क्षण, उदास क्षण, एकांत क्षण में प्रार्थना करता हूँ तो अनायास ही तुम्हारी रचना कर देता हूँ मैं, और मैं सृष्टा बन जाता हूँ। रचयिता होने का सुख मुझे मिलता है कि मैंने ईश्वर को रचा। अब कभी सवाल करते हैं, मैं भी प्रार्थना हूँ क्या तुम्हारी, ओ मेरे सृष्टा, पर किसे निवेदित। क्या कदाचित ईश्वर भी धरती वासियों का या उसकी सृष्टि करने वालों का अनुग्रह होता है, क्या ईश्वर भी कभी प्रार्थना करता है, करता है तो किसके समक्ष करता है। आपके जो अब तक का अध्ययन रहा है, किताबें रही हैं या सीमाएं हैं आपकी सोच की, उसमें शायद ये कविता देर से अटे, अटना बिहारी का शब्द है, समाए, क्योंकि निश्चित पैटर्न दिया हुआ है, एक सेट पैटर्न है, उस वैसा ही पढ़ रहे हैं, वैसा ही समझ रहे हैं, लेकिन नई कविताएं छलांग लगाकर आपको बौद्धिकता के अगले पैमाने तक ले जाती हैं। नई कविताएं आपको वहां तक सोचने पर मजबूर कर देती है जहां तक शायद आपकी बौद्धिक क्षमताओं का अतिक्रमण हो जाए। ईश्वर को आप सृष्टिकर्ता मानते हैं, कभी यहाँ पर ईश्वर का सृष्टिकर्ता स्वयं को मानता है कि मैंने रची थी तुम्हारी सृष्टि, मैंने रचा था तुम्हें जिस क्षण चुपचाप मैंने तुम्हें याद किया था, हो या नहीं लेकिन याद कर लिया ना, तो रच दिया।
जैसे बहुत से कॉन्सेप्ट, बहुत से टर्म्स होते नहीं है लेकिन बातचीत में प्रयुक्त होते हैं। मुक्तिबोध है हिंदी के एक बड़े नामी कवि। मुक्तिबोध को फैंटसी का कवि कहा जाता है। फैंटसी कल्पना का वो रूप है जो विचारों में हो सकती है लेकिन धरातल पे नहीं होती। आपके समझ के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगी, जैसे सोने का पहाड़। पहाड़ होता है पत्थर का, मिट्टी का, सोने की खान होती है मानते हैं, लेकिन आपने उसकी कल्पना कर ली या भूल या गलती एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर सिंहासन पर राजा की जगह गलती बैठी है और जिरह बख्तर कुतर्क पहन के, और वो आपको जीतने नहीं देगी। यहाँ पर भूल या गलती को राजा जो बनाया है ये एक प्रकार की फैंटसी है, हमारे रूपक बन जाता है, हमारे उसकी तस्वीर बन जाती है। तो भूल और गलती को राजा बनाने का काम कवि ने किया। ठीक उसी तरह ईश्वर है या नहीं हमने नहीं देखा, लेकिन जिस क्षण उसकी चर्चा कर ली गई, जिस क्षण उसका नाम ले लिया गया, जिस क्षण हार कर थक कर किसी भी मूड में उसको याद कर लिया गया, उस समय वो एक बार के लिए अस्तित्व में हो जाता है, भले ही वो अस्तित्व काल्पनिक हो, कवि के मानस में हो। अब कवि यही बात कहते हैं कि ईश्वर को भी तो भक्त चाहिए ना, बिना भक्तों के ईश्वर क्या है? जब कोई मानने वाला ही नहीं है, पूजने वाला ही नहीं है, तो वो अकेला करेगा क्या? इन्हीं की एक ऐसी कविता है सृष्टिकर्ता से सवाल, उसमें उन्होंने पूछा इस तरह का कि जैसे हम तुमको याद करते हैं तो हमको हमारा अधूरापन मिटता है, तो तुम भी तो अधूरे हो हमारे बिना। तो वही बात ये यहाँ पर कर रहे हैं कि क्या तुमको भी कभी याद आती है? तुम्हारी प्रार्थना मैं हूँ ओ मेरे सृष्टा। संसार कहता है कि मनुष्य को तुमने रचा, तो क्या मैं जैसे तुम्हें रचता हूँ, याद करता हूँ, वैसे तुम हमें रचते हुए याद करते हो? तो निवेदित किसको होते हो? अपने को उड़ेल तो उड़ेलते कहाँ पर जाकर हो? कहाँ पर अपनी संपूर्ण जिजीविषा, संपूर्ण मानस, अपने आप को किसके समक्ष प्रस्तुत कर देते हो? निढाल कहाँ जाकर हो जाते हो तुम? छोटी सी कविता है, बहुत दूर तक अर्थ जाता है, सोच का विस्तार देने वाली कविता है, सोच का फलक विस्तृत करने वाली कविता है। ईश्वर को मनुष्य के धरातल पे, मनुष्य के समकक्ष लाकर, और इवन उसके अस्तित्व पे सवाल उठाकर कवि बात कर रहा है इस कविता में। अज्ञातवादी दर्शन को भी ये कविता फॉलो कर रही है कि ईश्वर नहीं है ये नास्तिक कहते हैं, ये आस्तिक कहते हैं। और अज्ञातवादी वो होते हैं जो कह नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कुछ होता होगा इस तरह से। तो नंदकिशोर आचार्य की ये जो कविता है एक सवाल हमारे सामने छोड़ती है कि हमारे अस्तित्व से बड़ा कुछ नहीं है, हम सवाल ईश्वर से भी कर सकते हैं। नए कवियों की ये खासियत होती है। इस कविता से व्याख्या आएगी तो संपूर्ण कविता आपके सामने मैंने बता दी है। 20 नंबर के प्रश्न आने की गुंजाइश छोटी कविता से होती नहीं है। प्रसंग संदर्भ बार बार बताती चली आ रही हूँ। प्रस्तुत कविता आएगा, कवितांश नहीं आएगा क्योंकि छोटी कविता है। प्रस्तुत कवितांश हिंदी के नई कविताओं के प्रतिनिधि कवि नंदकिशोर आचार्य की कविता किसे निवेदित से लिया गया या किसे निवेदित कविता ही हमारे सामने प्रस्तुत व्याख्यायित होने के लिए। संदर्भ में हमें यह बताना होता है कि इसका विषय क्या है। तो ईश्वर से मुखातिब होते हुए कवि अपने कुछ शंकाओं का, अपनी कुछ जिज्ञासाओं का समाधान चाहते हैं, उन्हीं का चित्रण यहाँ हुआ है। कवि को ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि जब वो परेशान होते हैं या प्रश्नाकुल होते हैं तो ईश्वर को याद करते हैं और इस तरह से ईश्वर की वो रचना कर देते हैं, ईश्वर के रचनाकार बन जाते हैं। तो क्या ईश्वर भी कभी उनको याद करता है? ईश्वर किसके सामने अपने को प्रकट करता है? किसके समक्ष वो अपने को उड़ेल देता है उस तरह से, जिस तरह से उसका होना सार्थक हो जाए? एक दार्शनिक परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करने वाली कविता है ये। भाषा
सार्थक है, सफल है, अर्थ को अन्वेषित करने वाली है, शैली विश्लेषणात्मक है। बस आज छोटी सी कविता में हम इतना ही करेंगे। अगले दिन इनकी एक और कविता है झरे नहीं तो क्या, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हैव ए नाइस डे।